विकलांगों के लिए बड़ी खबर, खुशखबरी, विकलांग प्रमाण पत्र है तो मिलेंगे पूरे 2500 रुपए महीने पेंशन। कैसे मिलेगा पैसा और किस किस को मिलेगा, क्या है स्कीम, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक इस जानकारी पहुंच सके। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को किस प्रदेश के जिले देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रदेश का नाम, जिले का नाम जरूर लिख दें ताकि हम आपके प्रदेश में, आपके जिले में चल रही एक से एक बड़ी सरकारी योजना के बारे में आपको नई नई अपडेट देते रहें। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे विकलांगों के लिए आखिर कौन सी स्कीम है जिसके तहत 2500 रुपए महीने पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। तो बात करेंगे जहां विकलांगों को 400 या 500 रुपए महीने पेंशन के तौर पे मिलते थे जिससे उनका खुद का खर्च नहीं चल पाता था, मोदी सरकार ने इसी को नजर में रखते हुए विकलांगों के लिए विकलांग पेंशन योजना 2022 लागू की है जिसके तहत विकलांगों को अब 400 नहीं बल्कि 2500 रुपए महीने पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। तो ये पेंशन का पैसा किस किस को मिलेगा और कौन उठा सकता है इसका फायदा, तो बात करेंगे जो पहले से किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं उनको इस पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और जिनको अभी तक किसी भी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिला है वो इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए 45% से अधिक विकलांग प्रमाण पत्र बना हुआ होना जरूरी है। साथ ही जो विकलांग आर्थिक रूप से परेशान है उनको सरकार रोजगार भी मुहैया कराएगी, जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार भी देगी। और सरकार का कहना है कि 25 जुलाई से सभी फॉर्म भरे जाएंगे विकलांग पेंशन योजना 2022 के। तो जल्द से जल्द आपको करना क्या होगा, आपके पास आधार कार्ड, साथ ही साथ विकलांग प्रमाण पत्र की फोटो काफी और पासपोर्ट साइज दो फोटो, और किसी भी बैंक में आपका खुद का एक अकाउंट खोला होना जरूरी है जिसके बाद आप अपने नजदीकी सीएससी केंद्र या जनसुविधा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं विकलांग पेंशन योजना 2022 में, जिसके एक महीने के बाद आपके खाते में 2500 रुपए महीने पेंशन के तौर पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों मोदी सरकार की काफी अच्छी स्कीम है जो विकलांगों के लिए चलाई जा रही है। दोस्तों कैसे लगे आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।